देश के अलग अलग राज्यों में भीषण गर्मी और हीट वेव से परेशान हुए लोग, अगले महीने तक मानसून दे सकता है दस्तक। कई इलाकों में तेज आंधी और तूफान। मुंबई में भीषण गर्मी से परेशान हुए लोग, नागपुर में टूटा रिकॉर्ड पारा 45.6 डिग्री के पार। राजस्थान के चूरू में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 50 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। गर्मी के कारण घर से निकलना हुआ मुश्किल। चक्रवात रेमल ने असम में भी मचाई तबाही, भारी बारिश से 2 की मौत, 17 घायल। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। हीटवेव से परेशान हुए राहुल गांधी, भीषण के दौरान सिर पर पानी डालकर कहा काफी गर्मी है। पीएम मोदी को परमात्मा ने अंबानी और अडानी की मदद के लिए भेजा है। यूपी के देवरिया में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। देवरिया में बोले राहुल, अखिलेश इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो युवाओं को 30 लाख नौकरियां देंगे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 63.37% मतदान हुआ, चुनाव आयोग ने जारी किए आंकड़े। 2014 में मोदी के आने से पहले रोज रोज होते थे घोटाले, मोदी ने आकर वो सब बंद करवा दिया, दुमका में बोले पीएम मोदी। 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और होगी तेज, ये मोदी की गारंटी, दुमका में मोदी का वादा। 23 मई को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कन्याकुमारी जाएंगे पीएम मोदी, रॉक मेमोरियल में लगाएंगे ध्यान। सोनीपत में रबड़ की फैक्ट्री में भीषण आग से सिलेंडरों में ब्लास्ट, 40 से अधिक श्रमिक झुलसे। हम दो शहजादे मिलकर सिर्फ शह नहीं बल्कि मात भी देंगे, अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर तंज। केजरीवाल की जमानत पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा सीजेआई फैसला लेंगे। मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन बेल बढ़ाने की मांग की थी। विक्रमगंज में पवन सिंह के साथ खेसारी लाल को देखकर बेकाबू हुए समर्थक, चुनावी सभा में भीड़ ने तोड़ी कुर्सियां, पुलिस के छूटे पसीने। पुणे हादसे में नाबालिग के पिता और दादा को 31 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। मोदी अब गए, 4 जून को हमारी बनेगी सरकार, लालू यादव का बड़ा दावा। गौतम गंभीर केकेआर छोड़कर टीम इंडिया के हेड कोच बनने को तैयार, रिपोर्ट्स में दावा किया। नए रिकॉर्ड बना रही यात्रा, गंगोत्री में 39 तो यमुनोत्री में 49% बढ़े यात्री। धालीवाल से मारपीट के आरोप में विभव को कोर्ट से 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। आज सोने और चांदी के दामों में उछाल देखी गई, सोना 66,850 रुपए तोला तो वहीं चांदी 96,500 रुपए किलो। बांदा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक में घुसा ऑटो, 3 की हुई मौत, 6 लोग की हालत गंभीर। उदयपुर में फूड पॉइजनिंग से महिला सहित 3 की मौत, सगाई के प्रोग्राम में खाना खाने के बाद बिगड़ी तबियत, 22 हॉस्पिटल में भर्ती। राजस्थान में बहू ने ससुर को कुल्हाड़ी से काट डाला, बुजुर्ग को घर में नहीं रखना चाहती थी, कमरे का दरवाजा बंद कर ताबड़तोड़ किए वार। महाराष्ट्र में बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र वाले ऑटो, टैक्सी और बसों को प्रतिदिन 50 रुपए का जुर्माना होगा देना।